सरोजनी देवी का आप देख सकते हैं कि बो लेग्स हैं, नी के बीच में डिस्टेंस काफ़ी बढ़ गया है एंड शी इज़ वॉकिंग स्लोली। और ये टिपिकल पेशेंट है हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी का। पेशेंट हमारे पास इस तरह से आते हैं, नी में पेन भी होता है, टांगे टेढ़ी हो जाती हैं एंड दे हैव डिफ़िकल्टी इन ऑल देयर डेली एक्टिविटीज़। अब आप देखेंगे इनको सीढ़ी चढ़ने में कितनी तकलीफ़ है। और ये कई सालों से पेशेंट ऐसे ही सफ़र करते रहते हैं क्योंकि इनको सर्जरी से डर लगता है। ये देखिए कितनी मुश्किल हो रही है इनको सीढ़ी चढ़ने में। और ये पेशेंट पेन किलर लेते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये गलत है। इससे आपके नी तो ख़राब होते ही हैं, साथ साथ आपके स्पाइन के ऊपर भी स्ट्रेस पड़ता है और ग्रेजुअली आपका वेट बढ़ता है, आपकी मसल्स वीक हो जाती हैं, आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, यानी कि आपकी बोन के अंदर जो कैल्शियम है वो कम हो जाता है और धीरे धीरे घुटने के साथ साथ पूरे शरीर में दर्द होता है। तो जब हम नी रिप्लेसमेंट की तैयारी करते हैं तो हम सिर्फ नी को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, हम आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी ठीक करते हैं। सरोजनी का ये हम एक्सरे देख रहे हैं बिफोर सर्जरी। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये फीमर है और ये टिबिया है, इससे हमारा नी जॉइंट बनता है। तो इन दोनों के बीच में एक गैप होना चाहिए जो कि नॉर्मल है, जो कि दैट मीन्स कि कार्टिलेज है। ये गैप इसलिए होता है कि एक्सरे में कार्टिलेज दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए गैप दिखता है। जब कार्टिलेज ख़राब हो जाता है उम्र के साथ तो दोनों बोन्स आपस में टच करती हैं और जब ये टच करती हैं तो पेन होता है, इसी को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। इसकी वजह से पैर का जो एक्सिस है वो भी टेढ़ा हो जाता है, अंदर की तरफ दर्द होता है और पेशेंट लंगड़ा के चलता है। अगर इसमें हम एक्सिस देखें तो ये फीमर का एक्सिस है, ये टिबिया का एक्सिस है, तो इनका जो एंगल है वो इस तरफ बन रहा है पर ये नॉर्मल नहीं है। टिबिया अंदर की तरफ आ गई है जिसको हम बो लेग्स कहते हैं। तो ये है बिफोर सर्जरी, ये आफ्टर सर्जरी है। इसमें आप इम्प्लांट देखेंगे, ये फीमर का इम्प्लांट है, ये टिबिया का इम्प्लांट है, ये थोड़ा सा जो आपको दिख रहा है ये बोन सीमेंट है, इसमें हम बोन सीमेंट यूज़ करते हैं। लेकिन अब एक्सिस चेंज हो गए हैं, फीमर का एक्सिस इधर है, टिबिया का इधर है। अब आप देखेंगे पहले जो एंगल है वो अंदर की तरफ था और अब ये बाहर की तरफ बन रहा है। ये वेलगस हमारा एंगल होना चाहिए, यानी कि जो टिबिया है वो फीमर से थोड़ा सा बाहर की तरफ रहती है। ये साइड का देखा था, ये राइट साइड का। अब इसमें देखते हैं दिस एंड दिस। तो ये एंगल बेसिकली ये आपको समझना है कि ये एंगल इधर होना चाहिए, नॉट द अदर वे अराउंड। जब बो लेग्स होती है तो एंगल इस तरफ बन जाता है, तो टिबिया का एक्सिस इस तरह से जाता है यहाँ पर, तो एंगल इधर बनता है। तो हमें एंगल को बाहर की तरफ लाना है ताकि पेशेंट का जो नॉर्मल वेलगस एंगल है बिटवीन टिबिया एंड फीमर वो रिस्टोर हो जाए और जो मैकेनिकल एक्सिस है यानी कि फीमर, नी एंड एंकल, दे कम इन द सेम लाइन। ये सारी कैलकुलेशन पहले हम अपने जजमेंट से करते थे जिसमें कई बार एंगल्स इनकरेक्ट हो जाते थे और गलतियाँ हो जाती थी, लेकिन जब से हम रोबोटिक टेक्निक यूज़ कर रहे हैं ये एंगल्स बिल्कुल एक्यूरेट रहते हैं और जो हम एक्चुअली चाहते हैं आइडियली वही हमें मिलता है। इससे क्या होता है कि पेशेंट की परफॉर्मेंस बेटर रहती है और जो इम्प्लांट की लाइफ है वो बढ़ जाती है जब एंगल सारे करेक्ट हो जाते हैं। विदाउट वॉकर, कल भी बिना वॉकर के चले थे, थोड़ा सपोर्ट करके, आज इसकी भी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार फिर जाओ वापस, पेशेंट इज वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी, आज इनको डिस्चार्ज कर रहे हैं। दोनों ही नी एक ही सेटिंग में रिप्लेस किए थे। आइए, तो हम बेसिकली पेशेंट को बेस्ट टेक्नोलॉजी दैट इज रोबोटिक टेक्नोलॉजी एंड बेस्ट टेक्निक दैट मीन्स MIS टेक्निक, दोनों का एडवांटेज दे रहे हैं, इसलिए पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट है एंड दे आर हैप्पी। और इससे वो जो डर है नी रिप्लेसमेंट का कि सर्जरी के बाद बहुत दिन हो जाएंगे, हमें दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ेगी या वॉकर की ज़रूरत पड़ेगी या बहुत लंबी फिजियोथेरेपी करनी है, वो सब बिल्कुल निगेट हो गई है। सरोजनी का 3 दिन पहले रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट हुआ है बोथ साइड्स एंड शी इज क्लाइंबिंग स्टेयर्स, बिना किसी की मदद के स्टेयर क्लाइंबिंग कर रहे हैं। तो रोबोटिक सर्जरीज का एडवांटेज है कि रिकवरी बहुत फास्ट होती है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हमारे फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर इस तरह से ऊपर रहते हैं और उनके वहाँ लिफ्ट नहीं होती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि पेशेंट को घर जाकर ऊपर कैसे जाना है। तो हमारे पेशेंट जब यहाँ से जाते हैं तो दे आर ऑलरेडी क्लाइंबिंग स्टेयर्स, दिस इज़ बिकॉज वी आर कम्बाइनिंग रोबोटिक टेक्निक विद MIS टेक्निक।
तो MIS टेक्निक में मसल्स को प्रिजर्व करते हैं और रोबोटिक सर्जरी से सॉफ्ट टिश्यू डैमेज नहीं होता है, तो दिस पेशेंट रिकवर वेरी फास्ट। आइए, तो ये हम इंसीजन देख रहे हैं सरोजनी जी का, तो इसे देखिए, वेरी स्मॉल इंसीजन। MIS टेक्निक और रोबोटिक टेक्निक से जब हम काम करते हैं तो इंसीजन बहुत छोटा हो जाता है। नॉर्मली आप देखेंगे कि काफ़ी बड़ा इंसीजन होता है, विच इज़ बाई ओपन टेक्निक, लेकिन MIS में बहुत ही छोटा इंसीजन है। इससे क्या होता है कि टिश्यू ट्रॉमा बहुत कम है, और दूसरी चीज़ ये जो क्वाड्रिसेप्स मसल है, जो मेन थाई की मसल है जिससे हम चलते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, हम उस मसल को बिल्कुल भी टच नहीं करते हैं। ओपन टेक्निक में उस मसल को पूरा स्प्लिट किया जाता है, जिससे उसमें ब्लीडिंग होती है, स्टिचेस लगाने पड़ते हैं, और पेशेंट को पोस्ट ऑप में बहुत पेन होता है, और सीढ़ी चढ़ने में और चलने में काफ़ी वक्त लग जाता है। लेकिन जब हम रोबोटिक और MIS टेक्निक का कॉम्बिनेशन करते हैं तो ये सारी एडवांटेज हम पेशेंट को देते हैं। अभी पेशेंट को सिर्फ फोर डेज हुए हैं और पेशेंट आज डिस्चार्ज हो रहे हैं। इनको आगे किसी ज़्यादा ड्रेसिंग्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब टिश्यू ट्रॉमा नहीं होता है तो वुंड की हीलिंग बहुत फास्ट होती है और बार बार आपको ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नी की ड्रेसिंग में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, घुटना थोड़ा मोड़िए, ये वाला। जब भी ड्रेसिंग करें थोड़ा सा घुटने को मोड़ के फिर ड्रेसिंग करें, ताकि जब पेशेंट अपनी एक्सरसाइज करें, फिजियोथेरेपी करें, मूवमेंट्स करें, तो ड्रेसिंग उनकी ख़राब ना हो। अब सीधा करिए, तो ये देखिए पूरा मोड़ो। अब ड्रेसिंग हमने ऑलरेडी, क्योंकि घुटने को मोड़ के लगाई है, तो ये ड्रेसिंग अब उतरेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी। दूसरी देखो, तो इससे ज़्यादा ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब लास्ट एक ड्रेसिंग हम देखेंगे 5 डेज के बाद, एंड दैट्स इट। ये देखो, हमने नी को पहले ही बेंड कर लिया है और उसके बाद हम ड्रेसिंग कर रहे हैं, तो पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल रहेंगे एक्सरसाइज करने में और इनकी ड्रेसिंग डिस्टर्ब नहीं होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। सीधा करिए पैर। अब अगली चीज़ हमें देखनी है कि जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं नी सर्जरी से पहले, तो इनका जो है वो एरेस डिफॉर्मिटी होती है, और जब हम हिप जॉइंट और एंकल जॉइंट को कनेक्ट करने की तरफ से कनेक्ट करते हैं तो नी जनरली बाहर की तरफ रहता है। लेकिन अब सर्जरी के बाद आप देखें, हम हिप जॉइंट और एंकल जॉइंट को कनेक्ट कर रहे हैं और नी बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। दैट मीन्स कि डिफॉर्मिटी पूरी तरह करेक्ट हो गई है। पहले ये लेग इस तरह से थी तो नी यहाँ आ रहा था, लेकिन अब जैसे ही, क्योंकि ये सारे एंगल्स हम कैलकुलेट करते हैं और वो जो इन्फॉर्मेशन होती है हम अपने सॉफ्टवेयर में फीड करते हैं, फिर जो रोबोट उससे कैलकुलेशन करता है और हमें बताते हैं कि इस एंगल से हमें कट लेना है, तो वो एग्जैक्ट एंगल आता है। तो आप देखिए, हिप, नी एंड एंकल सेम लाइन में है। इधर देखते हैं, ऐसे ये हिप जॉइंट है, ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, एंकल, नी एंड हिप इन स्ट्रेट, यानी कि इनका जो मैकेनिकल एक्सिस है हमने वहीं पर रिस्टोर कर दिया जो इनका पहले होता था, बिफोर द डिजीज। तो अब आप दूसरी चीज़ देखिए, जब हम पैर को मिला रहे हैं तो नी टच कर रहे हैं, एंकल में गैप है जो कि नॉर्मल है। अगर बोल एक डिफॉर्मिटी होती है तो एंकल पास आ जाते हैं लेकिन नी के बीच में बहुत गैप हो जाता है, तो जिससे पेशेंट जब चलते हैं तो पैर टेढ़े लगते हैं। तो ये हमने डिफॉर्मिटी करेक्ट कर दी है। अब पेशेंट इज़ रेडी टू गो होम, एक्सरसाइज करेंगे। कभी कभी हल्की सी स्वेलिंग आपको देखने को मिलती है आफ्टर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, लेकिन ये ग्रेजुअली ठीक ठाक हो जाती है जब पेशेंट अच्छे से चलते हैं और एक्सरसाइज करते हैं।